बैक टू माई चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ चिकन मेथी। चिकन चिकन? हाँ सच में चिकन। मैं तो सिर्फ चिकन ही खाऊंगा, मेथी छोड़ दूँ अम्मी के लिए। नहीं सब खाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। अच्छा मिक्स हो जाएगा क्या? ठीक है। वैसे भी बताओ कौन कौन सी ऐसी भाजी है जो चिकन के साथ मिक्स करके बना सकते हैं? बहुत सारी भाजी है। सोया बना सकते हैं, पालक बना सकते हैं, आप फरज बीन्स बना सकते हैं चिकन के साथ में मिला के। करेले में भी बनती है और बहुत सारी सब्जियां हैं। अभी मैं देख रहे हो भिंडी में तो ये मैं इसीलिए पूछा था कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये मेथी चिकन के बाद अम्मी कौन सी डिश बनाए। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि अम्मी चिकन मेथी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, मेथी, प्याज, अदरक लहसुन पिसा हुआ, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिर्ची पाउडर, टमाटे, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और ये ठेपली मिर्ची। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो मैंने यहाँ टोप चढ़ा दी हूँ और मैंने चिकन ली हूँ आधा किलो। ठीक है, आधा किलो चिकन का बनाएंगे हम आज। तो मैंने आज ऐसा खुला बर्तन ले ली हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखे, क्योंकि मेथी है ना तो मेथी में थोड़ा तेल लगता है ना, तो मेथी ना कड़ू होने लगती है अगर तेल कम रहेगा तो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे जो ये आधा चम्मच हमने जीरा लिया है ना, ये डाल देंगे। गरम मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे, खड़ा गरम मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हम मेथी डालने वाले हैं ना, इसलिए हमने गरम मसाले की बुक्की लिए है। ठीक है, अब डालेंगे हम इसमें प्याज। तो प्याज मैंने अच्छे ली हूँ, तीन प्याज ली हूँ बड़े बड़े साइज के, क्योंकि हम आज ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सिंपल तरीके से बनाएंगे, इसमें प्याज थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि हम बुक्की डालेंगे। पाउडर डालेंगे बाबा, पाउडर। बस इसने मेरे को थका दिया है। अब वो मेरे मुंह पे आ जाता, मैं क्या करूँ। अब हम ये प्याज को ना अच्छी तरीके से ना थोड़ा लाल कर लेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, प्याज मेरी अच्छे से लाल हो गई है। अब क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन प्याज के बाद। एक चम्मच भर के डाली हूँ मैंने। हाँ अच्छा, क्योंकि मेरा आधा किलो गोश्त है वो हिसाब से मैंने डाली हूँ, आप लोग आपके गोश्त के हिसाब से डालिए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अदरक लहसुन को एक 10-20 सेकंड भून लेंगे। तो चलो अभी अदरक लहसुन की अच्छी खुशबू आने लग गई है, अब डालेंगे इसमें हम टमाटे। तो ये टमाटे भी मैंने तीन ली हूँ, प्याज बड़े बड़े ली थी और टमाटे मीडियम साइज के ली थी। ठीक है, इतने साइज के ली थी तीन टमाटे। अब इसको भी मैं अच्छे से पकने छोड़ूंगी, हल्का सा नमक डाल के। अब थोड़ा इसको नरम होए तक पका लेंगे 2 मिनट तक। तो देख रहे हैं आप लोग, टमाटे मेरे अच्छे से गल गए हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें हमारे मसाले। तो हम डालेंगे ये एक चम्मच लाल मिर्ची की बुक्की, धनिया पाउडर नहीं तो बोलेगा फिर बुक्की, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, बस बस क्या एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बस। अब हम इसको हिला लेंगे। अब मुक्की नहीं बनी ना। हाँ ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, 10-20 सेकंड इसको पका लेंगे, इसको जलने नहीं देंगे। अभी हमारे टमाटे भी अच्छे से गल गए, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, बस अब हमारे मसाले जलने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हमारी ये चिकन। तो चिकन मैंने पहले भी बताया आपको कि आधा किलो चिकन है ये। अब अच्छे से इसको हिला लेंगे और इसको ढक के हमको थोड़े देर पकने छोड़ना है। ठीक है, इसमें नमक डाल के नमक का पाउडर ना खड़ा नमक भी आता है, टेंशन मत ले, मैं खड़ा नमक लेके आऊंगी चलो अब हम इसको
दो मिनट पकने देंगे। तो चलो देखते हैं, अभी चिकन डाल के थोड़ा पकने रखे थे हमने। हाँ, चिकन का भी पानी सूख गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसमें जब अभी मेथी छोड़ेंगे ना तो मेथी का भी पानी छूटता है। ठीक है, तो इसके लिए हल्का सा पानी डालेंगे, अच्छा गिलास भर के, जग भर के नहीं डाल देंगे। बस ये इसलिए डालेंगे कि हमारे मसाले ना जले और हमारा चिकन में अच्छे से पक जाए। अब ये जब तक पकता है, चिकन गलता है, जब तक हम इसमें ये ढीपली मिर्ची भी डाल देंगे और इसको इसी तरीके से बस चीरा लगा के छोड़ देंगे। ये बड़ा अच्छा टेस्ट देती है हाँ मिर्ची, ये कोई भी सालन में डालना है। आप शिरवे वाला सालन बनाएंगे उसमें भी डालेंगे तो ये जायका बहुत अच्छा आता है। मैं मिर्ची उर्ची का बीज बीज नहीं निकालती हूँ, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। ठीक है, मुझे बड़ी पसंद है ये। चलो अब इसको ना ढक के दो मिनट पकने रखेंगे और जब तक हम क्या करेंगे, हमारी मेथी की भाजी धो लेंगे। ठीक है, ये दो मिनट पकता है, जब तक हम मेथी की भाजी धो के लाएंगे। ये मैंने एक गड्डी मेथी ली हूँ, 20 रुपये वाली गड्डी। ठीक है, अब आपके यहाँ पे गड्डी से मिलती है, किलो से मिलती है, वो आपको पता, लेकिन मैंने एक बड़ा बॉल भर के मेथी की भाजी ली हूँ, मैं इसको धो के लेके आती हूँ। तो चलो हमने मेथी धो के ला लिए और हमारा पानी भी सूख गया है। माशाल्लाह, खुशबू आ रही है मस्त वाली, है ना। अब क्या करेंगे हम, ये इसमें जो गरम मसाला भुक्की लिए है वो डाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें खड़े गरम मसाले नहीं डाले हैं, सब हमारे घर के ये जो हल्दी मिर्ची धनिया में ही बनाए हैं। गरम मसाला आधा चम्मच पीसा हुआ डाले हमने। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी मेथी की भाजी। वो मेथी डालना जरूरी है क्या मैं? क्यों, ऐसे अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं आप लोग, मेथी डालना जरूरी है क्या? बोलता मुझे ऐसी दे दो, मुझे ऐसी अच्छा लग रहा। अरे मेथी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, मेथी के साथ है ना गोश्त, इससे ज्यादा अच्छा लगता है। मेथी के साथ है ना कीमा, इससे ज्यादा अच्छा लगता है। मेथी के साथ भी बहुत सारे आइटम बनते हैं, आलू मेथी, कीमा मेथी, गोश्त मेथी, बहुत सारे। अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब ये भी पानी छोड़ेगा और ये मेथी अभी डाली हूँ मैं, ये मेथी भी गायब हो जाएगी, दिखेगी ही नहीं। चलो अब इसको ना ऐसी ही रहने दो, दो मिनट के बाद हिलाते हैं। ठीक है, जब तक हमारी मेथी उसमें सेट हो जाएगी। तो चलो दो मिनट हो गए हमको मेथी अंदर डाल के, देखें मेथी गायब हो गई ना, ऐसा लग रहा था टोप भर गया लेकिन पूरी मेथी बैठ गई। देख अभी कहाँ दिख रही मेथी बता, तेरा चिकन ही दिख रहा है ना अभी। हाँ ऐसी तो चाहिए था। ऐसी चाहिए था इसको। अभी मेथी डालने के बाद हम ज्यादा नहीं पकाते हैं, ठीक है, 10 मिनट पकाएंगे बस, ज्यादा नहीं, मेथी सबके लास्ट में डालने का। मेथी ज्यादा बनाएंगे फिर एकदम ना हरा हरा सालन नहीं दिखेगा, काला काला सालन दिखेगा, क्योंकि मेथी रंग चेंज कर लेती है ज्यादा पकाने से और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये वाली डिश में मेरी कोथमीर आज नहीं पड़ेगी, कोथमीर का काम मेथी ने कर ली। हो गया तैयार। हाँ, अब इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे ना जरा 5 मिनट, उसके बाद तैयार होगा। तो चलो 5 से 7 मिनट हो गए हमारी मेथी पकते पकते। वाह माशाल्लाह, क्या खुशबू आई, देख रहे आप लोग, मेरा मेथी चिकन रेडी हो गया, एकदम रेडी। अभी इस मोमेंट पे मैं बंद कर दूंगी नहीं तो ये ज़्यादा सूख जाएगा और मुझे इतना ज़्यादा सूखा हुआ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपका चिकन मेथी सूख जाए तो एक आधा चम्मच पानी डाल सकते हैं आप, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसी तरीके से बनाना, इससे ज़्यादा नहीं सुखाना, खाने में फिर टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा ना तो आप माशाल्लाह पराठे से, नान से, किसी से भी खा सकते हैं। तो चिकन मेथी तैयार हो गया है।
ठीक है। तो आज चिकन मेथी जो तैयार हो गई वो मैं बताऊंगी। हाँ, गरम गरम है तो ना, वो भी टोप में निकाले मेरी बोले आज लगे साथ में निकाले। मैं बोली आज टोप में से कटोरे में देखो निकाल के नहीं दूंगी, आज इसी में से बताता हूँ। तो नहीं नहीं गरम गरम टोप में मैं नहीं उठाऊंगा। बोले अच्छा तो विषय में क्या लग रहा है। मैं बोली आज तेरे बदले मैं उठा देती हूँ, ठीक है। चलो निकालो भी, निकालो निकालो। आज तो देखो चिकन मिर्ची खिलाऊंगी। ढेबला ढेबला मिर्ची ढेबला मैं बोटी अम्मी नहीं बोटी नहीं है चिकन और ये वाओ मजा आ गया। सही में यार देखो ना क्या लग रहा है। घर में बनाते हैं मैं डिश लेकिन ना कितने बार बोलूं जब ये स्ट्रीट फूड जाएगा पे बनती है ना भाई इसका टेस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है और टाइम भी। ये डिश नीचे अम्मी आधे घंटे में रेडी कर देते। हाँ और ये रहे पराठे। देखो मोटे मोटे मस्त पराठे भाभी के हाथ के। अच्छा ये हमारे लिए मोटे हैं, आप लोगों के लिए शायद ये मोटे नहीं होंगे। खाने वाले पे डिपेंड है कि कौन सा वो खाता है। हाँ लेकिन ये हमारे लिए मोटे मोटे और छोटे मोटे और छोटे चौकोर। मैं बनाती हूँ ना वो थोड़े बड़े रहते। धुआं निकल रहा है। गरम 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 धुआं निकल रहा है। गरम है चिकन। खा खा तू खा। हाँ ना हेलो छोटा नहीं वाला मैं मेरे बड़ा बना दो। आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको छोड़ दे इसको ले तेरी उंगली जल रही है ना गरम है। मजा आएगा बहुत जिनके बाद चिकन खाने में स्ट्रीट फूड जाएगा पे है हमें मस्त पे होगा। एक और अभी ना मैं पालक तो खाता हूँ अभी कोई खाली चिकन तोड़ के खाया। हाँ अभी मेथी का। हाँ सॉरी पालक बोल दे। मेथी के साथ में सेमे तीखी रहेगी मिर्ची। नहीं बिल्कुल भी तीखी। मैं खा के बताऊँ देखो पालक भर के ले ले भाई पालक लो। मेथी 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 मेरे बच्चे लोगों को ना खाना एक एक चाहिए मैं बना के खिलाऊ लेकिन नाम नहीं मालूम रहता कोई भाजी के नाम नहीं मालूम है। क्या करने का नाम मालूम करके ले। देखो हड्डी वाला गोश्त नहीं आता खाने तो मत खा। इसको हड्डी वाली बोटी देंगे ना तो उसको निकालने नहीं आता हड्डी वाले गोश्त में उसको ऐसी बोनलेस मजा आ गया भाई पैसा वसूल हो गया। बोनलेस वाले चिकन चाहिए उसको। थोड़ा लो बोले ज्यादा है। अभी मैं खुद खाऊंगी मेरा पोपट करता है। अभी मेरा थोड़ा लो वो ज्यादा था। देखो देखो अभी हटे ना तो भाई वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और जो हमारे चैनल पे है नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो यार खाली वीडियो देखो मजे मतलब लाइक करो। और चिकन मेथी कैसी लगी जरूर बताना और बना के भी खाना हाँ ट्राई करना। और चिकन की ऐसी भाजी के साथ मिक्स वाली रेसिपी किस किस को चाहिए कौन कौन से चाहिए वो भी कॉमेंट करके जरूर बताना ठीक है। चलते हैं मैं। हाँ चलो फिर चलते हैं। कौन सी भाजी चाहिए वो भी बता। हाँ लेकिन चाय में बहुत मस्त बना लिया हमने जो बनाएगा ना उसको मालूम पड़ेगा ठीक है। चलो फिर चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब तक के अल्लाह हाफिज़ बाय बाय। दुआओं में याद रखना।